हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा बैंकर्स के लिए हर 3 महीने रिवाइज होता है और बैंक पेंशनर के लिए हर 6 महीने रिवाइज होते हैं। जो डीए रिवाइज होता है वो लेबर मिनिस्ट्री जब डाटा जारी करती है उसके हिसाब से रिवाइज होता है। जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर पॉइंट है वो मई मंथ के रिलीज़ किए गए हैं और जून के जो रिलीज़ किए जाना था 31 जुलाई को या 30 जुलाई को रिलीज ही नहीं किए गए हैं। पिछले 2-3 महीनों से देखा जा रहा है कि लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू जो डाटा रिलीज़ किया जाता है वो टाइम से रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, क्योंकि जब तक ये डाटा रिलीज़ नहीं किया जाएगा तब तक डीए को रिवाइज नहीं किया जाएगा। तो अभी तक आप देख सकते हो कोई भी डाटा रिलीज़ नहीं किया गया है, बट हम एक्सपेक्ट देखते हैं कि कितना डीए हो सकता है। यहाँ पे आप सीपीआई इंडेक्स में जो पॉइंट इंक्रीज हुए हैं वो देख सकते हो। सबसे बड़ी जंप हुई थी मई जून 2023 के फिगर से जुलाई 2023 में। अगर हम इसी को लेके चलें तो कितना डाटा इंक्रीज़ हो सकता है, यहाँ पे आप देखो 3 पॉइंट मतलब डाटा इंक्रीज हुआ था। अब बाकी आप देख सकते हो तब से लेके अब तक सेम ही सीपीआई इंडेक्स चल रहे हैं, मतलब कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर एक बेसिक जो स्टार्टिंग सैलरी होती है कितनी इंक्रीज हो सकती है, 1% का इंक्रीज होता है डीए तो आफ्टर रिवीजन। तो अभी यहाँ पे देखो जो अप्रैल और मई के जो फिगर आए हैं उसके हिसाब से जून के जो फिगर हैं वो जुलाई में आने थे जो कि अभी नहीं आए, मे बी एक विद इन अ वीक आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो कितना डीए इंक्रीज हो सकता है, अगर हम सीपीआई जून के पॉइंट अगर 140.5 लेके चलें, अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो सीपीआई एवरेज बनेगा 139.93 बनेगा। जो एवरेज सीपीआई वो प्राइस है वो है 123.03। ये 2016 को बेस ईयर मान के है, इसमें हम घटा देंगे तो जो कि बनता है 16.90, जो कि लगभग लगभग 1% इंक्रीज हो रहा है। अगर 0.5 भी इंक्रीज होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इंक्रीज होगा, पिछले 3-6 महीनों से तो डीए सेम ही चल रहा है। अगर इतना भी अगर हम बहुत कंजर्वेटिव लेके चलें तो भी 1% के आसपास इंक्रीज होगा। अभी जो कि बैंकर्स के लिए है वो 15.97 चल रहा है। और अगर हम कैलकुलेट करें 141 लेके चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17.07, मतलब 1.10% के आसपास इंक्रीज होगा। अगर हम 141.5 लेके चलें तो यहाँ पे 17.24% के आसपास होगा। ये बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब 1% तो मिनिमम इंक्रीज होगा बैंकर्स के डीए में। तो अगर आप यहाँ पे बेसिकली 1% अगर इंक्रीज होता है तब कितना इंक्रीज हो सकता है सैलरी में, इसी के हिसाब से आप अप्रॉक्स अंदाजा लगा सकते हो अपनी सैलरी में भी। बेसिक अगर आपका इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन बेसिकली अगर न्यू ऑफिशियल है जिनका बेसिक 48,480 है तो उनकी जो सैलरी अगर 1% ये इंक्रीज होता है तो 620 रुपये इंक्रीज होगी के आसपास। और अगर न्यू क्लर्क हैं तो उनकी सैलरी लगभग 360 रुपये इंक्रीज होगी डीए में। आई होप सो कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से डीए के जो प्राइस इंडेक्स हैं उसी के हिसाब से बढ़ेंगे। डीए में एडवांटेज अच्छा खासा होगा क्योंकि पिछले 6 से 9 महीने में कोई डीए इंक्रीज़ नहीं हुआ है बैंकर्स का। थैंक यू दोस्तों।